एक बात तय है कि भारत से ज्यादा अच्छा वेलकम चैंपियंस को कोई दे ही नहीं सकता। वो स्टार्डम महसूस करवाया खिलाड़ियों को, अपने नाम की गूंज पूरे भारत से सुनाई पड़ी। कल फिर एक 29 जून थी, यस 29 जून को फिर जी लिया कल हमने। रात भी बेचैन थी कि सुबह कब होगी, और जब सुबह हुई, सुबह के 6 बजे लैंड हुए हमारे चैंपियंस। कान के पर्दों को फाड़ देने वाली खुशी एयरपोर्ट से नजर आई। टीम भारत का क्या वेलकम, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव ढोली के साथ वाले उनके ठुमके होटल से डायरेक्टली दुनिया में ब्रॉडकास्ट हुए। साथ ही हिटमैन और किंग की एक एक झलक के लिए बेकरार था पूरा देश। होटल से प्रधानमंत्री आवास तक मोदी जी के साथ ब्रेकफास्ट, और उसका हाई पॉइंट जो मुझे लगा, सबसे छोटू बुमराह को गोद में उठाए हुए नरेंद्र मोदी जी की फोटो, ये मिलियन डॉलर पिक्चर। फिर मुंबई की ओर जब रवाना हुई हमारी टीम, लैंड होते ही 21 तोपों की सलामी, जैसे ही बिल्कुल वाटर सल्यूट, दोनों तरफ से पानी की बौछारें छोड़ी गई विमान के ऊपर जो सेमी सर्कल बनाती हुई, वाह। जिसके बाद मरीन ड्राइव पर कोई ड्राइवर नहीं बचा था, क्योंकि सब रुके हुए थे, थमे हुए थे, समय खिलाड़ियों के लिए फ्रीज हुआ पड़ा था। मुंबई में शाम को समुद्र जो है वो नीला हुआ था, मानो मैन इन ब्लू को समुद्र भी सलामी दे रहा था। क्वींस नेकलेस कहा जाता है, लेकिन डायमंड्स नहीं, कोहिनूर जड़े हुए थे पूरे रास्ते पर। कोहिनूर हर हमारा प्लेयर, हमारे दिल का गुरु। दुनिया सोच रही थी कि ये बस वानखेड़े स्टेडियम कैसे पहुंचेगी, 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ थी बीच में, लेकिन मानो फैंस ने बस को अपने कंधों पर उठा लिया हो, कंधों पर बस को तैरा कर पहुंचाया वानखेड़े तक। दोपहर के 2-3 बजे से लेकर रात के 9:30-10 बजे तक हर फैन हिला भी नहीं, पलखे बिछाए अपने स्टार्स की राह देखता हुआ। बारिश आई, वो बोले आंधी तूफान भी आए तो भी हिलेंगे नहीं हम। सोचा था कि रास्ते पर अंधेरा होगा तो क्रिकेटर्स दिखाए कैसे पड़ेंगे। बीसीसीआई ने तो फुल ऑन तैयारी की थी, लेकिन लाखों फैंस के रोशन मोबाइल से पूरा रास्ता जगमगा उठा था। कोई भी नेता चाहे तो उनकी रैली में भी इतनी भीड़ नहीं होगी, बुलाने पर भी नहीं होगी, जितना बिन बुलाए आए थे कल। द ट्रू स्टार्डम देखने को मिली। इतने ट्रैफिक में खिलाड़ी ओपन बस तक कैसे पहुंचे थे, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। मुंबई पुलिस कल जैसे भारतीय क्रिकेट टीम की ओपन बस के रथ को इन्होंने खींचा है, पूरे भारत की ओर से धन्यवाद है मुंबई पुलिस। है तो आखिर ये भी फैन ही, लेकिन लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, अपने इमोशंस को दिल में दबाए हुए, इन्होंने अपना कर्तव्य निष्ठा से जो अपना काम किया है, अकेले आतो संभाले है 2 से 3 लाख लोगों को कंट्रोल करना। उफ, दिल ही दिल में हर कोई सोच रहा था कि बारिश है और इतनी भीड़ है, कोई हादसा ना हो जाए। जैसे सेलिब्रेशन हुआ सब कुछ याद आ गया, जैसे ही जीते थे वर्ल्ड कप, कैसे हिटमैन ने फुल फोर्स से जमीन को हिट किया था, उस हाथ में अभी तक दर्द हो रहा होगा। पर खुशी एक सच्चे देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ी की। लिखा हुआ था कि कोच राहुल द्रविड़ की देखरेख में ही होगा, तो रोहित ने राहुल को जो वो फोन कॉल किया था, सिखाता है नेवर गिव अप, आप सक्सेस के इतने करीब हो सकते हैं। पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चले वो विराट कोहली, चले वर्ल्ड कप फाइनल्स में, अर्थात क्लास इज परमानेंट। कभी कभी ना भी चले तो वो सही टाइम पर चमकता है, जीवन की सच्चाई और सच्ची सीख से भरा हुआ वर्ल्ड कप। कल वानखेड़े स्टेडियम में हार्दिक पंड्या के लिए प्यार और एक्साइटमेंट को देखकर ये बात कि समय को बदलते समय नहीं लगता, दुनिया खिलाफ है साथ हो जाएगी, बस तू सच्चा रहे। रोहित बोले, मुंबईया हिंदी में बोले, लेकिन महफिल लूट ली, मुंबई चा राजा रोहित रोहित। विराट ने कहा कि एक लम्हा जीवन भर नहीं भूलूंगा, वर्ल्ड कप जीत कर जब मैं और रोहित गले मिले थे। जैसे विराट और रोहित एक दूसरे को गले मिले थे, कौन कह सकता है कि दोनों के बीच रिश्ते में कभी तनाव भी आया था जीवन में। जीवन में अगर कुछ है तो वो है ये यादगार पल, ये सिखाता है ये वर्ल्ड कप। हर एक टीम मेंबर के साथ हमारे जो लेजेंड्स हैं रोहित और विराट, एक साथ वानखेड़े में नाचते हुए, जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। पैट कमेंट्स भी सोच रहे होंगे कि अगर वर्ल्ड कप जीत कर ऐसा वेलकम मिलता है तो भगवान अगले जन्म मुझे इंडियन प्लेयर ही कीजो। वीडियो अगर पसंद आया है तो मेरी चैनल आरजे अर्चना जानी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।